हेलो एवरीवन, आज हमारे पास बोट इमोर्टल 150 एक से दो हफ्ते पहले 1500 रुपये के प्राइस पॉइंट पर फ्लिपकार्ट पर लॉन्च हो चुका है। मैंने वीडियो ये बहुत लेट बनाई है, मेरे पास टाइम नहीं था, तो अब मैंने बना दी है। ये पूरी टेस्टिंग में कर चुका हूँ, तो इसकी जो जो अच्छाइयाँ हैं मैं आपको इस वीडियो में टोटल बताता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये है बोट इमोर्टल 150 का बॉक्स। सामने की साइड लिखा हुआ है 20 मोड मिलता है, 40 मिलीसेकंड का टोटल प्लेबैक टाइम है 40 hours का, और रियल RGB लाइट्स आपको देखने मिल जाती हैं। पीछे की साइड लिखा हुआ है भैया बोट का सिग्नेचर सीरीज साउंड है, ENX टेक्नोलॉजी है जो कि 4 माइक के साथ आती है। IWP का सपोर्ट आपको देखने मिल जाता है। IPX4 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग देखने मिलती है। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट है, और लिखा हुआ है 10 मिनट चार्ज करो 180 मिनट तक आपको ये बैटरी बैकअप दे देगा। और साइड में वही गूगल असिस्टेंट या फिर सिरी का सपोर्ट आपको देखने मिल जाता है, और यहाँ लिखा है लेवल अप। जल्दी से हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, और यहाँ सामने की साइड हमें देखने मिल जाता है इमोर्टल 150 का बॉक्स। जल्दी से पन्नी भी हटा देते हैं, और ये रहा वाइट कलर में, बहुत बढ़िया से लग रहा है और मस्त लग रहा है, एकदम मैट फिनिश है वाइट कलर में, तो अच्छी चीज़ है। क्योंकि भाई जो स्क्रैच लगेंगे वो अलग दिखते हैं ग्लॉसी पेंट में, तो ये आपको मैट फिनिश देखने मिलता है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे नीचे की साइड आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट देखने मिल जाएगा, बैक साइड कुछ भी नहीं है। फ्रंट में यहाँ पर आपको बोट का लोगो विद लाइट, जैसे ही मैं लिड उठाऊंगा यहाँ पे आपको RGB लाइट देखने मिलेगी बोट के लोगो के साथ, और यहाँ ईयरबड्स में भी आपको लाइट ब्लिंक होती हुई दिख जाएगी। तो यहाँ पे जो हम बात करें लिड की, तो लिड काफ़ी सॉलिड है, हिल नहीं रही है। एक बार ड्रॉप टेस्ट भी करके देख लेते हैं क्या अंदर गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, तो नहीं गिर रहे हैं। और बंद करने पर भी ये भाई दोबारा से शुरू हो जाती है। डिज़ाइन थोड़ा डायमंड कट वाला लग रहा है मुझे, जो गेमिंग से इंस्पायर्ड है, क्योंकि भाई ये गेमिंग के लिए बने हैं, तो गेमिंग वाली वाइब इसमें आ रही है। भाई बात करें अगर इनके बड्स की, तो बड्स का डिज़ाइन भी कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल बना है इन्होंने, गेमिंग वाला इंस्पायर्ड है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पूरा मैट फिनिश है, प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है। सामने की तरफ आपको एक माइक देखने मिल जाएगा, और नीचे की साइड एक माइक है। यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन एरिया है, सामने की तरफ आपको सिलिकॉन टिप्स देखने मिलेंगी। ओवरऑल ये जहाँ तक है 4 ग्राम के हैं, और काफ़ी लाइट वेट है, अच्छे लग रहे हैं, तो काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है, ज़्यादा लंबे भी नहीं है, तो आपके कानों में इनकी फिटिंग अच्छी आएगी। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और हाथ में आने की बात करूं, तो भाई पॉकेट साइज ये है, आराम से हाथ में आ जाते हैं, आप कैरी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा जो इसकी विड्थ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा है, तो चलो कोई नहीं, चल जाएगा, क्योंकि गेमिंग वाइब है तो भैया RGB वाले ऐसे ही आते हैं। डायमंड का थोड़ा सा डिज़ाइन है इसका, ओवरऑल मुझे ये काफ़ी सही लगे। यहाँ पर आपको एक बोट इमोर्टल 150 का एक पूरा गाइड देखने के लिए मिल जाएगा, तो जब आप इसे खरीद लो तो आप इसको पढ़ लेना, सारे टच कंट्रोल्स इसी में लिखे हुए हैं। यहाँ पर है एक FAQ कार्ड, अगर आपके ईयरबड के साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ 7 क्वेश्चन और उसके आंसर दिए गए हैं। किसी भी ईयरबड में से कम आवाज़ आ रही हो, कनेक्ट नहीं हो रहा हो, फैक्ट्री रीसेट करना हो, तो आपको सारे क्वेश्चन के जवाब इस कार्ड में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर 1 ईयर की बोट की वारंटी देखने मिल जाती है। कुछ भी होता है आप कस्टमर सर्विस सेंटर पर बात करिए, और अपना प्रोडक्ट को वारंटी क्लेम करके आप रिपेयर करवा सकते हैं, 1 साल की आपको वारंटी देखने मिलेगी। इसके अलावा बॉक्स में आपको एक टाइप सी की चार्जिंग केबल मिल जाएगी, उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और ये भी मैट फिनिश में दी गई है, और वाइट कलर बहुत मस्त लग रहा है केबल का। इसके अलावा आपको 2 पेयर सिलिकॉन टिप्स के मिल जाते हैं, एक छोटे साइज और एक सबसे बड़े साइज के, और मीडियम साइज के आपके ईयरबड में लग के आते हैं, तो टोटल 3 तरह के सिलिकॉन टिप्स आपको मिलेंगे। बात कर लेते हैं इसके साउंड क्वालिटी की, इसमें आपको 10mm का ड्राइवर देखने मिलता है जो कि सिग्नेचर साउंड के साथ आता है, लेकिन मुझे कहीं से भी ये 10mm का नहीं लगा, ये 13mm का ड्राइवर है, इसको डाउनग्रेड करके लिख दिया है। आवाज में बहुत ज्यादा रिफाइनमेंट है, मतलब एक एक चीज बिल्कुल अलग सुनाई देने वाली है, नेक्स्ट लेवल का रिफाइनमेंट है। ट्रबल बहुत ही अच्छी है, बेस बहुत ही खतरनाक है, वाइब्रेशन भर भर के आपको देखने मिलेंगे बेस में, इंस्ट्रूमेंटल साउंड हर चीज़ आपको बेहतरीन देखने मिलेगी, कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी हाथ पीछे नहीं खींचा है, मस्त एकदम चीज़ दी है साउंड के मामले में, तो साउंड इसकी बहुत अच्छी है। AAC कोडेक और SBC कोडेक दोनों से ये सपोर्ट करता है। वाले हैं इसका गेमिंग टेस्ट, इसमें आपको 40 मिलीसेकंड की लेटेंसी देखने मिलती है, राइट ईयरबड पे 3 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, तो 20 मोड ऑन हो चुका है, तो अब हम गोली चला के देखते हैं।
तो भाई मुझे तो इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 40 मिली सेकेंड भी नहीं है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही इंस्टेंट आ रही है। तो गेमिंग मोड इसका काफी ज्यादा अच्छा है। अभी हम लोग करने वाले हैं इसका कॉलिंग टेस्ट। इसमें मिलता है आपको 4 माइक, ENH टेक्नोलॉजी सपोर्टेड है इसके अंदर, तो मैंने लाइन पे भी ले रखे हैं। हेलो हेलो, आवाज कैसी आ रही है पहले ये बताओ। आवाज तो क्लियर है। जो साउंड आपको एक अलग सुनाई देती है ईयरफोन वाली फोन वाली, तो उसमें फर्क है या सेम लग रही है? हाँ, आप अगर ईयरफोन से बोल रहे हैं तो ये ईयरफोन का फील आ रहा है, इसमें दूर से लग रहा है कुछ हल्का डिस्टेंस लिए हुए। अच्छा, जैसे पंखा चल रहा है अभी ऊपर, उसकी आवाज आ रही है? नहीं, वैसी कोई बैकग्राउंड से साउंड नहीं है। अच्छा, मैं अभी पंखा ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, और अभी मैं हेलमेट पहन लेता हूँ, तब आप बताना। और आपकी आवाज कैसी आ रही है? बहुत कम हो गई। बहुत ज्यादा कम हो गई? हाँ, कम हो गई आवाज। अब शीशा मैंने खोल लिया, अब आवाज कैसी आ रही है? थोड़ी ज्यादा हुई। कोई भी वोकल्स का ब्रेक कुछ नहीं? क्लियर नहीं है ज्यादा, मतलब समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है लेकिन ज्यादा क्लियर नहीं है। अच्छा, अब मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब पंखा भी बंद है ऊपर का, अब आवाज भी कोई फर्क है? पहले जो कम आ रही थी वो कुछ बड़ी सही है, अब परफेक्ट है। परफेक्ट है, यानी कि जो पंखा चल रहा था उसकी आवाज को काटने के लिए ये साउंड को दबा रहा था। अब जो भी है, एनसी है जो भी है, लेकिन अभी अच्छी है तो बस। अच्छा चलो, ठीक है ठीक है। तो अभी हम लोग आ गए हैं छत पे ओपन एनवायरनमेंट में इसका टेस्ट करने। हवा चल रही है, आप देख रहे हो पत्ते हिल रहे हैं। 4 माइक मिलते हैं ENH टेक्नोलॉजी के साथ, लाइन पे मेरे साथ अभी हैं। तो हेलो हेलो, आवाज कैसी आ रही है छत पे इसकी? सही है, बढ़िया आवाज है। जो रात आप कह रहे थे थोड़ी कम आ रही है जैसे, तो वो कुछ है ऐसा? नहीं, अभी क्लियर है। जैसे फोन से आती है और एक ईयरफोन से आती है, उन दोनों में कोई फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं। अच्छा, नहीं लग रही आवाज है? अच्छी आवाज है। चलो ठीक है, बस यही टेस्ट करना। ठीक है, थैंक यू। तो आप लोगों ने देख लिया, जब पंखा चल रहा था तो ये हमारी आवाज को थोड़ा सा कम कर रहा था, जिससे जो बैकग्राउंड नॉइज है वो हट जाए, यानी कंप्रेस कर रहा था। जैसे ही पंखा बंद हुआ, इसने ओरिजिनल अपनी आवाज जो आ रही थी वो दे दी है। हेलमेट के अंदर इतनी अच्छी आवाज नहीं थी इसकी, लेकिन चल जाती है क्योंकि इतनी बेहतरीन हेलमेट के अंदर कोई भी नहीं कराता कॉलिंग। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको हेलमेट लगा कर बात करनी है या बिना हेलमेट के बात करनी है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं इसका कनेक्शन रेंज का टेस्ट। लगभग 3 से 4 मीटर दूर में भी खड़ा हूँ, तो मैं थोड़ा घूम के देख लेता हूँ कि आवाज कहाँ तक आ रही है। ऑब्जेक्ट अगर बीच में आता है तो भी आवाज आ रही है, कोई भी इधर उधर का कुछ नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ अभी कुछ ऐसा लगा जैसे आवाज इधर उधर हुई हो। तो यहाँ से वहां तक लगभग 8 मीटर की रेंज है। तो अगर ओपन सर्कल में लगाई जाए पूरा, तो 10 मीटर की रेंज है। अगर दीवालों की बात करूं मैं घर के अंदर, तो थोड़ी आपको कम देखने मिलेगी, दीवालों पे डिपेंड करता है। तो रेंज इसकी काफी ज्यादा अच्छी है। बात करूं अगर बैटरी बैकअप की, तो भैया इसके अंदर 40 mAh की बैटरी है, इसके अंदर 400 mAh की बैटरी है, ठीक है। अगर बैटरी बैकअप की बात करूं, तो कंपनी क्लेम करती है कि 60% वॉल्यूम पर 10 घंटे आपके बर्ड्स चलेंगे, और 3 बार यानी कि 10-10 घंटे यानी 3 बार केस चार्ज करा देगा इन बर्ड्स को, ठीक है। लेकिन जो हमने 100% वॉल्यूम पे यूज़ करी है, वो आई है 7 से 7.5 घंटे के बीच में। तो बर्ड्स आपके 7 से 7.5 घंटे चलते हैं, और ये जो केस है 3 बार आपका फुल चार्ज करा देता है। तो ये आपका असली बैटरी बैकअप है, जो कि बहुत अच्छा है। बर्ड्स को चार्ज होने में 45 मिनट लगते हैं, और केस को चार्ज होने में पूरा 2 घंटा लग जाता है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं IWP का टेस्ट। जैसे ही मैं लिड उठाऊंगा, ये इंस्टेंट पेयर होने चाहिए, 1, 2, 3। तो 3 पे ये कनेक्ट हो जाते हैं, काफी फास्ट पेयरिंग है इनकी। अगर बात करूं मैं इसके फिटमेंट की, तो फिटमेंट बहुत ज्यादा मस्त, बिल्कुल भी नहीं हिलता मेरे भाई। ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं खिसक रहा है कि अगर कुछ भी दिक्कत हो तो। फिटमेंट यार बहुत मस्त है, और पूरा ग्रिप बना के रखते हैं और अच्छे लगते हैं। अगर साइड से देखो वाइट कलर में यार मस्त RGB LED बढ़िया लगते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके टच कंट्रोल्स की। तो ये जो बोट का लोगो बन रहा है, यहीं पे है टच एरिया। अगर आप किसी भी ईयरबड पे एक बार टैप करते हैं तो आपका गाना प्ले हो जाएगा, और फिर से आप टैप करेंगे किसी भी ईयरबड पे ये पॉज हो जाएगा। अगर आपको नेक्स्ट सॉन्ग पे करना है, तो राइट ईयर वाले पे आपको 2 बार टैप करना है, 1-2, तो नेक्स्ट सॉन्ग प्ले हो जाएगा। अगर आपको प्रीवियस सॉन्ग प्ले करना है, तो लेफ्ट ईयरबड पे 2 बार टैप करना है, तो आपका प्रीवियस गाना चल जाएगा।
अगर आपकी कॉल आ रही है, आपको कॉल उठानी है, तो किसी भी ईयरबड पे एक बार टैप कर देना, आपकी कॉल उठ जाएगी। और अगर आपको कॉल गाइड नहीं है, तो किसी भी ईयरबड पे दो बार टैप कर देना, आपकी कॉल कट जाएगी। अब बात कर लेते हैं पावर ऑन की और ऑफ की। तो आपको 5 सेकंड तक किसी भी ईयरबड पे मतलब होल्ड करके रखना है, तो आपका जो ये ईयरबड है ना, ये रीसेट हो जाएगा। अगर 3 सेकंड तक किसी भी ईयरबड पे आप होल्ड करके रखोगे, तो ये ऑन हो जाएगा। और अगर 5 सेकंड तक आप किसी भी ईयरबड पे क्या कहते हैं होल्ड करके रखोगे, तो ये ऑफ हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं वॉइस असिस्टेंट की। तो आपको लेफ्ट ईयरबड पे 3 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, और आपका गूगल असिस्टेंट खुल जाएगा। तो अब जाके ये खुला है, तो मेरे फ़ोन में थोड़ा सा लेट खुलता है। अब बात कर लेते हैं अगर आपको बीस मोड ऑन करना है, तो राइट ईयरबड पे आपको 3 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, आवाज आएगी बीस मोड ऑन। ठीक है, तो फाइनली सारे टेस्ट करते करते अब हम आ गए इसके फाइनल कंक्लूजन पर। तो क्या कहता है कंक्लूजन भाई, 1500 रुपये में आपको एक बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी मिलेगी, बेस भर भर के मिलेगा, मज़ा आ जाएगा आपको साउंड क्वालिटी के मामले में, गेमिंग बेहतरीन करा देगा ये, बैटरी बैकअप जबरदस्त मिलता है, बहुत लंबा है, और इतना भाई इस प्राइस पॉइंट पे इतना ही मिलता है, इससे ज़्यादा उम्मीद मत करना। और बात करें अगर कॉलिंग की, तो कॉलिंग अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है भाई इस प्राइस पॉइंट पे। गेमिंग के टाइम आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आप अपना गेमिंग सेटअप मतलब अपग्रेड करने वाले हो ना, तो आपके पास बोट इमोर्टल 150 ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि भाई RGB सब कुछ मिल रहा है, वाइट कलर इतना प्यारा मस्त लग रहा है, चाहे वाइट हो या ब्लैक, लेकिन मज़ा आ जाएगा, क्वालिटी एक चीज़ है। तो भाई मैं तो कहूँगा आप ले लो, मैं भले वीडियो लेट हो गया हूँ बनाते पे, तो अभी ये फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है। तो सारी मैंने बाइंग लिंक आपको नीचे कमेंट में पिन कर दी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, तो आप लोग ले सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।